दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका, छोटों का, बड़ों का, देवियों का और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान अनेक विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने विचारों की संरचना की है और उनको आप सुनिए और उसका मनन करें। दोस्तों, जिस व्यक्ति में सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण की वृत्तियों में समान समभाव रखने की कोशिश करता है और स्वाधीनता से अपनी आत्मा को मानव मात्र के हृदय में अपनी आत्मा को एक समरूप बनाने की कोशिश करता है, वही परमात्मा की शक्ति से उन्हीं के हृदय में परमात्मा की शक्ति हमेशा विराजमान रहती है। पूर्ण रूप से स्वार्थ और पक्षपात से रहित तथा सबकी भलाई चाहने वाला तथा सभी से समान आचार संहिता, समान भाव रखने वाला, श्रेष्ठ भावों से संपन्न व्यक्तित्व ही और वास्तविक योग्यता का प्रतीक होता है, जिसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है। दोस्तों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अपनों के सामने थोड़ा झुकने की वृत्ति मानव जीवन के लिए सही सोच है, लेकिन इससे भी बड़ी सोच यह है कि वह हमें किसी के सामने झुकने का अवसर न दे। जिस प्रकार रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता है, वह जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि अपनत्व की ही सही पहचान के लिए प्रेम, सहयोग, विश्वास, सुरक्षा, निष्ठा, सहानुभूति, ये जीवन के ऐसे भाव होते हैं जो अनजान को भी अपना बनाने के अमूल्य भाव हैं। दोस्तों, इनको समझिए आप, अपनी समस्त इंद्रियों, मन, बुद्धि, विवेक और शरीर में उत्पन्न होने वाली गतिविधियों को अपने वश में रखने वाले लोग एक ओर जहां यशस्वी होने का धनी होते हैं तो दूसरी ओर समस्त मानव जन्य आशाओं से संग्रह को त्याग कर आत्मा और परमात्मा के भी सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी रखता है। इस अभिव्यक्ति की परख समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में महसूस होती है। हमारे जीवन में आधे कष्टों को हम गलत लोगों की उम्मीदों से ग्रसित होकर पैदा करते हैं, आधे दुख सही हैं और अच्छे सच्चे लोगों का शक, सच्चे लोगों पर अगर शक पैदा करके जो दुख प्राप्त होते हैं उनको हम अपने आधे दुख हम वैसे प्राप्त करते हैं। दूसरों के सुख से परेशान कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्मन में अपने को समर्थवान और गुणवान बनाना सही सोच की वजह है। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अपने सुख की प्राप्ति करना सबसे बड़ा जीवन में अभिशाप है। किसी के सामने समान सम्मान के शब्द प्रकट करने की सही पहचान तब साबित होती है जब हम किसी की अनुपस्थिति में भी हम ऐसे ही भावों से सम्मानित करने की वृत्ति से सही मानवीयता की पहचान को की प्राप्ति करते हैं। अपनों के होने से ही जब हमारे अपने होते हैं उन्हीं से हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा होता है। सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब अपनों के लिए तरसते हैं लोग। कल हम अपने होंगे न होंगे, न गिला होगा न शिकवा होगा, हमारी यादों का सिलसिला बहुत लंबा होता है। जीवन में ऐसे सपनों को सजो कर रखने से क्या फायदा जिसके सपनों को ही छलने का प्रयास किया जाता है, यानी किसी के भी सपनों को छलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी सब वास्तविकता सामने होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी मानवीयता है। दोस्तों वक्त तो गुजर गया, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी समय होता है अगर वह गुजर जाता है तो उसको हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। हमारा किसी से भी कोई बात होती है, कोई भी बात किसी भी प्रकार की होती है, हमारा समय जैसे भी चला जाता है तो वह अगर गुजर जाता है तो उसको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए।
नई सुबह के साथ नई पैगाम लेकर आने वाले समय का हमको स्वागत करना करते हुए जीवन में आनंद और संतोष की अनुभूति से ही सार्थकता और भावात्मक जीवन की सोच को पुनर्जागृत करने की कोशिश करके मानवता की पहचान बनाकर सदाचारी बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने अपने हिसाब से अपने मन से ये रचना की है कि सूक्ष्म रचना की है ताकि सब लोगों के मन में ये बातें जाएं। इस प्रकार की आसक्ति से जो व्यक्ति सुसज्जित होते हैं, जिनका व्यक्तित्व सुसज्जित होता है, वह हमेशा आकर्षण और चमत्कार की विलक्षण प्रतिभा की सूचना की समावेश उनके हृदय में रहता है। इन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवेश में इनकी गणना युग पुरुष के रूप में होती है। इस अभिव्यक्ति से ही इस अभिव्यक्ति से ये भाव स्वतः अंतर्मन में हमारे जागृत हो जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैंने लिखा है, व्यक्तित्व में स्वयं के हम आत्मबल के भाव सजाएं। व्यक्तित्व में स्वयं के हम आत्मबल के भाव सजाएं, दुर्भावों को मिटाकर सद्भावों की ज्योति जलाएं। दुर्भावों को मिटाकर सद्भावों की ज्योति जलाएं। परिवार के लिए भी कुछ समय निकालें। परिवार के लिए भी सब जन कुछ समय निकालें। दायित्व राष्ट्रहित के कल के लिए कभी न टालें। दायित्व राष्ट्रहित के कल के लिए कभी न टालें। हर लक्ष्य प्राप्ति का आधार अपना संकल्प बनाएं। उत्कृष्टता को ही नित्य व्यवहार के लक्ष्य समझकर पल भर भी नहीं प्रगति में कभी बाधक बने हम। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही हमारी धर्म धारणा है। यह शांत भाव होकर हम सबको विचारना है। बिखराव दूर करके सबको प्यार से दुलारना है। सबको दृढ़ता से राष्ट्रहित के मिशन को संवारना है। राष्ट्र के निर्माण और विकास की गति को बढ़ाना है। दोस्तों, ये थे मेरे आज के विचार, मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किए। मैं देश हित, समाज हित, अपने परिवार हित और जन कल्याण के हित के लिए हरेक व्यक्ति से सुविचारों की समावृष्टि अपने मस्तिष्क में करने के लिए अपेक्षा करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने जीवन में सकारात्मक सोच, सुविचार, अच्छा मार्ग प्रशस्त करने की योजना का निर्धारण करना चाहिए। जितना हम अच्छा सोचेंगे, जितना हम अच्छा करेंगे, हमारी वाणी, अगर वाणी में भी हमारी कभी कभी क्या होता है, हमारी वाणी में भी ऐसे भाव आते हैं जो कि एक प्रकार की हिंसा का कार्य करते हैं, तो हमको हमेशा अपनी वाणी पर लगाम लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक हिंसा ऐसी होती है कि आदमी को मार देते हैं, किसी हथियार से मारते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं। एक हत्या ऐसी होती है जो वाणी से भी हत्या होती है। हमको अपने हाथों का, अपनी वाणी का, अपने पैरों का, अपने मन का, अपने विचारों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमारे हाथ सही कार्य करेंगे, अगर हमारे पैर सही कार्य करेंगे, सही मार्ग में जाएंगे, हमारा मन चिंतन सही जगह पर कार्य करेगा, तो निश्चित ही है हम जीवन में हमेशा उन्नत करेंगे। हमारा भावी जीवन भी उसी अनुरूप बनेगा। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम सकारात्मक सोच अपने मन में रखेंगे, दूसरों की लोक कल्याणकारी भाव रखेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के दुख से सुख से कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, दूसरों के सुख से हमेशा खुशी महसूस करनी चाहिए, तभी आपको भी सुख प्राप्त होगा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी से हम मानवता की सबसे बड़ी पहल कर सकते हैं।
यही मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है। दोस्तों, मैं सभी के मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपने विचारों को सबको प्रेरित करने के लिए और सबके कल्याणमयी जीवन के लिए आराधना करता हूँ, परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश का हर नागरिक अच्छे विचार रखे, अच्छा बोले, अच्छा समझे, अपने हाथ पैर मुंह अपने जीवन का एक एक अंग हमारा अच्छे कार्यों में कार्य करे, अच्छी शुभ कार्यों में कार्य करे, तभी हमारी सोच अच्छी होगी, तब हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे। और यही हमारी भावी पीढ़ी के लिए हमारा संदेश है। हर भावी पीढ़ी को जहाँ तक हो अपनी बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। यही हमारे आदर्श हैं, यही हमारे पूर्वजों की पहचान है, यही हमारे देश की शान है। इसी से हम अच्छे विचारों से, सुविचारों से ही हमारे जीवन में सकारात्मक मार्ग मिलता है। हम अच्छी दिशा का अनुसरण करते हैं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रास्ता है, यही हमारी मानवता है। इसी से हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका, बड़ों को मैं अपना नमस्कार करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ, सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। इसी भावना के साथ सबका अभिनंदन, सबको नमस्कार। भारत माता की जय।